भिलाई नगर रेलवे स्टेशन के समीप बने रेलवे कॉलोनी के मकान नंबर 10/3 में बीती रात चोरों ने अपना हाथ साफ कर दिया। इस मकान में रहने वाले केसी ओझा अपने परिवार सहित शहर से बाहर गए हुए थे, जिसका फायदा उठाते हुए चोरों ने दरवाजा तोड़कर घटना को अंजाम देते हुए घर के अंदर के बड़े बक्से सहित अलमारियों को तोड़कर घर के कीमती सामानों और सोने के जेवरातों को ले उड़े। दुर्ग जिले के भिलाई शहर की अगर बात करें तो आज भी इस शहर में कई ऐसी जगह है जहां पुलिस प्रशासन की सुरक्षा देखने को नहीं मिलती और ऐसी जगहों पर असामाजिक तत्वों ने अपना डेरा बनाकर असामाजिक गतिविधियों को संचालित करने का अड्डा बना रखा है। ऐसी ही एक जगह है भिलाई नगर रेलवे स्टेशन के समीप बने रेलवे कॉलोनी और उससे जुड़ी हुई अवैध बस्ती। इस रेलवे स्टेशन के अंदर एक पुराना शेड भी बना हुआ है जिसे ढहाने के आदेश भी जारी हो चुके हैं, परंतु अब तक ढहाया नहीं गया और वहीं बने एक चबूतरे पर प्रतिदिन शाम को असामाजिक तत्वों द्वारा डेरा जमाकर हर प्रकार का नशाखोरी किया जाता है और इस इलाके में पुलिस की दबिश न होने की वजह से अब शहर के बदमाशों ने इसे अपना निशाना बनाना आरंभ कर दिया है। बीती रात रेलवे कॉलोनी में रहने वाले केसी ओझा के घर में शातिर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। घर का ताला तोड़कर चोर अंदर दाखिल हुए और उन्होंने अलमारी और घर के अंदर रखे बड़े संदूक को तोड़कर घर में रखे सोने चांदी के जेवरातों के ऊपर अपने हाथ साफ कर दिए। केसी ओझा इस वक्त अपने परिवार के साथ शहर के बाहर गए हुए हैं और उन्होंने अपने घर की चाबी अपने पड़ोसी को दे रखी थी। पड़ोसी भी अपनी नौकरी पानी के लिए गया हुआ था और रात के 12 बजे तक सब कुछ ठीक रहा। जैसे ही पड़ोसी सोने गए वैसे ही चोरों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। सुबह जब मोहल्ले वासियों को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने तत्काल 112 को खबर की और मौके पर बुलाया, साथ ही नजदीकी भिलाई नगर थाने में भी सूचना दी। पुलिस महकमा भी वहां जल्द पहुंच गया और तफ्तीश कर वहां से लौट गया, परंतु इस बड़ी वारदात के कारण अब इस रेलवे कॉलोनी में रहने वाले लोगों की नींद हराम हो गई है, क्योंकि इस कॉलोनी में रहने वाले सभी पुरुष काम के लिए बाहर चले जाते हैं और घर में महिलाएं अकेली होती है और ऊपर से इस कॉलोनी में असामाजिक तत्वों के बने अड्डे ने इन्हें और भी परेशान कर रखा है। ये शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि जिस तरह की घटना बीती रात हुई है ऐसी घटना यहाँ ना हो, इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाए और फिलहाल कम से कम पुलिसिया गश्त यहाँ शुरू की जाए। केसी ओझा के घर हुई वारदात और कॉलोनी की यथा स्थिति को कॉलोनी वासियों ने ग्रैंड एशियन न्यूज टीम से साझा किया। मुझे जिस क्वार्टर में घटना हुई है वो हमारे स्टाफ ही हैं, हमारे साथी काम करते हैं। मुझे उनका सुबह 6 बजे फ़ोन आया कि अमित मेरे क्वार्टर में चोरी हो गई। अच्छा। हाँ, तो मैं उठ के तुरंत टी शर्ट पहन के वैसे भागते हुए आया हूँ तो देखा हूँ तो बाजू वाले भैया भी थे, मिशन भैया, उन्होंने बताया अरे ऐसा ऐसा। तो मैं पूरा देखा, कंडीशन देख के मुझे भी बहुत बुरा लगा। फिर थोड़ा सबसे बात करके फिर 112 पे कॉल किया हूँ और तुरंत ही अपने प्रशासन के 112 नंबर की गाड़ी तुरंत आई। वो आए, वीडियोग्राफी किए, सब कुछ किए। उन्होंने बोला कि एक थाने में, सेक्टर 6 के थाने में एक एप्लीकेशन दे दी, क्योंकि अभी जो क्वार्टर में रहते ऑनर नहीं है तो इसलिए FIR होगा कि नहीं होगा कंफर्म नहीं था। तो जब एप्लीकेशन दिया तो वहाँ के सर बोले कि आप भी FIR कर सकते हैं और जो भी घर में चोरी हुई है जो भी है वो चीज़ का डिटेल जब वो आएंगे वो खुद अपने एक एप्लीकेशन में लगा देंगे, वो FIR में अटैच होगा। भिलाई नगर परिसर में वैसे भी असामाजिक तत्व के बहुत सारे लोग आते हैं, देखते हैं कि प्लेटफॉर्म एरिया में या कहीं पेड़ के नीचे या कहीं भी कॉर्नर पे बैठ के दारू पीना, गांजा पीना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे असामाजिक तत्व। पुलिस प्रशासन भी कोशिश करती है बहुत सारी चीज़ों में और हमें भी सपोर्ट रहता है पुलिस प्रशासन का। पर मैं पिछले 10 साल से भिलाई नगर में रह रहा हूँ, भिलाई नगर में ये मेरे जानकारी में पहला केस होगा किसी के रेलवे क्वार्टर में चोरी का। ये तो हम पूरी तरीके से बता नहीं सकते, एक अनुमानित बात हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अब जो यहाँ पर रेगुलर बैठ रहा है क्या जान वो भी हो सकते हैं? नहीं, पुलिस की गश्त गाड़ी नहीं, अब यहाँ के तो महिला लोग नहीं बोल रहे, नहीं आती। भैया मैं तो सुबह जो है मुझे मकान मालिक ने फ़ोन किया, जो मैंने रिसीव नहीं किया। मेजबान ने आकर के मेरे को बताया कि बाजू में चोरी हो गया। चोरी हुआ तो मैंने उठ कर के आके देखा तो साथ में पांडे भाई जो है पहले से खड़े हुए थे वहाँ के। जब मैं अंदर में जाकर के देखा तो उसके सारे सामान बिखरे हुए पड़े हुए थे चारों तरफ। बिखरे हुए पड़े होने के बाद हमने जो है 112 को कॉल किया पांडे भैया ने, तो उसके बाद पुलिस आई। पुलिस आने के बाद वो देखी, देखने के बाद वीडियो रिकॉर्डिंग की। वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद कहा गया था कि थाने में आकर के उसका कंप्लेन दर्ज कराई। तो हमने जा करके थाने में कंप्लेन दर्ज कराया। कुछ समय बाद जो है फिर वहाँ से कॉल आया। कॉल आने के बाद जा करके देखा गया
कि उन्होंने कहा कि FIR बनने वाली है करके, तो FIR के लिए 5 कॉपी में FIR बनी, जिसकी एक कॉपी हमारे पास है, एक कॉपी थाने में रखी। और भैया इसमें कहना हमारा ये भी है, यहाँ कोई पुलिस की गश्त लगती नहीं है पहली बात, और दूसरी बात यहाँ पास इस पीपल पेड़ के पास में, सामने देख रहे होंगे आप, उधर दिखा दीजिए एक बार, तो वो पीपल पेड़ के पास में, और ये ओल्ड स्टेशन है, वो ओल्ड स्टेशन का एक गैंग खोली है साहब, ये गैंग खोली तो अनर्गल रूप से ही पड़ा हुआ है, और इस पर जो है असामाजिक तत्व कंटिन्यू आना जाना, खाना पीना गांजा उंजा से लेकर सारे तमाशे होते हैं। पिछले 1 जनवरी को जो है 2022 इसी साल 2022 को मेरे ये क्वार्टर है, क्वार्टर 12/1, जिसके घर के जस्ट सामने में यहीं पास मर्डर भी हो गई, और मर्डर होने के बावजूद भी पुलिस ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया, ना ही किसी और ने संज्ञान लिया। यहाँ पास ये इलाका आता है रेलवे में GRP का, लेकिन GRP आज तक यहाँ पास मैंने देखा नहीं, ना ही किसी सामाजिक असामाजिक तत्वों को किसी को उठा करके या लेके जा करके पूछताछ वगैरह कुछ भी नहीं किया गया है आज तक। यहाँ पास हम रह रहे हैं, लेकिन मेरी माँ मनोरोगी होने के बावजूद भी मुझे डर बना रहता है कि कोई भी असामाजिक तत्व मेरे घर के अंदर आना जाना ना करके कुछ डरा धमका करके कोई चोरी चमारी ना कर जाए। और ऐसे भी मेरे बगीचों में आजू बाजू में लोग आते हैं, कूदते हैं, चले जाते हैं फूल तोड़ने के बहाने से, और हम काफ़ी बार बोला कि ये सब चीज़ें ना करो करके, लेकिन यहाँ पास कोई सुनता नहीं है, ना ही इसके बारे में कोई संज्ञान लेता है, जा करके मौखिक रूप से ही बोला जाता है। आज पहली बार जो है इतनी बड़ी घटना घट गई है, और मेरे को उम्मीद है कि आने वाले समय में हो सकता है इससे भी बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाए यहाँ करें, जिससे अभी तो सिर्फ धन हानि हुई है, हो सकता है बाद में किस टाइप का जनहानि हो जाएगा या किसका क्या हो जाएगा पता नहीं भैया। यहाँ पास लोग जो है ड्यूटी पानी वाले हैं, सब अपने अपने काम में चले जाते हैं, काम में जाने जाने की वजह से घर में जो रहता है लेडीज अकेली ही रहती है, ये मेरा कहना है। अगर प्रशासन इससे सुन रहा है या शासन सुन रहा है तो कम से कम इसमें त्वरित कार्रवाई कर कर करके इस टाइप के असामाजिक तत्वों को पे उचित कार्रवाई वो करें। हाँ, और इस गश्त बढ़ाया जाए ताकि असामाजिक तत्वों का जो जमावड़ा यहाँ हो रहा है वो ना हो। और मैं संडे को गाँव गया था बालाघाट, संडे को गाँव गया था, मंडे को नहीं आया, मंगलवार को आया, तो मैं शाम को जब आया हूँ तो ताला सब बंधा हुआ है, आगे पीछे में ठीक था, लेकिन कल रात को क्या हुआ है कि मैं जब ड्यूटी से आया शाम के टाइम 6 बजे, तो मैं खाना खाने सेक्टर से बन जाता हूँ, वहाँ से आने के बाद में मेरे को सोने में करीब 12 बज गया, तब तक ही ठीक था 12 बजे तक के, उसके बाद सुबह में ड्यूटी होती 6 बजे, जब मैं उठा 5:30 बजे तो किसी का दरवाज़ा खुला हुआ था, और खुलने के बाद उनको कॉल किया मैंने कि क्या सामान चोरी हुआ है, तो जाके देख लो, तो मैं देखा भैया तो पूरा चोरी अलमारी खुली हुई, दरवाज़ा खुला हुआ और पूरा ताला तोड़ा हुआ ये पाया गया, और सामने का जो दरवाज़ा होता है ताला नहीं तोड़े हैं, खुंडी तोड़ दी पूरा, और एक जानकार व्यक्ति हो सकता है, कोई आम आदमी नहीं है, ये यहाँ पर मर्डर हुआ था इसी कॉलोनी में ही, और इस कॉलोनी में किस रेलवे कॉलोनी भिलाई नगर में ही मेरे क्वार्टर मर्डर हुआ था, ये चौक में ही है, आगे मंच बना हुआ है मंदिर में, और मर्डर हुआ था, लड़के लोग पार्टी सार्टी करते हैं, और यहाँ पर पेड़ के नीचे में हमेशा जमावड़ा बना रहता है, जब महिलाएं खाना खाने के बाद घूमती रात में, यहाँ गाली गलौज की हमेशा वाट बनी रहती है, ये मोहल्ले वाले हैं पड़ोसी वाले हैं कुछ नहीं। पुलिस प्रशासन की कोई गश्त यहाँ पर किसी प्रकार की सुरक्षा? हफ्ते महीने में एक हाथ बार आती तो आती पुलिस, बाकी कभी नहीं आती है, अभी वारदात हो भी गई है इसका सारा अंजाम प्रशासन को जाएगा भैया, क्योंकि अगर पुलिस का अगर दबदबा रहता है तो ये जो गतिविधियाँ होती है बिल्कुल नहीं हो पाती, ये सब चोरी चमारी ये हमेशा एक आम बात होगी इन लोगों के लिए। फिलहाल केसी ओझा के पड़ोसियों ने इस चोरी की वारदात की FIR भिलाई नगर थाने में करा दी है, अब केसी ओझा के वापस आने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि इस चोरी में कितना नुकसान हुआ है। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि इस रेलवे कॉलोनी और इससे जुड़ी हुई बस्ती इलाके में पुलिसिया गश्त बिल्कुल नहीं होती है, जिसकी वजह से यहां पर असामाजिक गतिविधियों को संचालित करने वाले बदमाशों ने इस जगह को अपना अड्डा बना रखा है। पुलिस प्रशासन को इस चोरी की घटना को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, और जल्द ही कोई ठोस कार्रवाई कर इस रेलवे कॉलोनी में रहने वाले रहवासियों को भयमुक्त वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।